बीजेपी और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता आज भिड़ गए। आम आदमी पार्टी के कार्यक्रम में पहुंचे बीजेपी के कार्यकर्ता और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने लगाए सीएए के समर्थन में नारे। नारे लगाने पर बीजेपी और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता भिड़ गए। मनीष सिसोदिया को पहुंचना था चुनाव प्रचार कार्यक्रम में, आप पार्टी कार्यकर्ता कर रहे थे डिप्टी सीएम का इंतजार। इसी बीच बीजेपी कार्यकर्ताओं के पहुंचने पर माहौल बिगड़ गया। बीजेपी और आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता लगा रहे एक दूसरे का आरोप, लेकिन ये उसी दौरान की तस्वीर है जब मनीष सिसोदिया को यहाँ पहुंचना था और वो पहुंच रहे थे। इसी दौरान बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने यहाँ पर सीएए के समर्थन में नारे लगाना शुरू किए और आम आदमी पार्टी साथ ही साथ बीजेपी के जो कार्यकर्ता थे वो आपस में यहाँ भिड़ते हुए नजर आए। पूरी दिल्ली में आम आदमी पार्टी की ओर से सभी विधानसभाओं में पदयात्राएं निकाली जा रही हैं और इनका मकसद है जनता की तरफ से जो मैसेज आया है कि 5 साल अच्छे बीते और लगे रहो केजरीवाल। तो आज हमारा नारा यही है कि अच्छे बीते 5 साल लगे रहो केजरीवाल, यही मैसेज जनता के बीच में लेके आज पदयात्रा के रूप में सारे हमारे लीडर्स जा रहे हैं, हम भी यहाँ पर निकाले। संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं यूनुस, क्या हुआ था उस मौके पर जब बीजेपी और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता आमने सामने आ गए और यहाँ पर एक दूसरे के खिलाफ ही नारे लगाने लगे? आज पटपड़गंज विधानसभा में मनीष सिसोदिया की पदयात्रा चल रही थी, उसी बीच बीजेपी के मंडल अध्यक्ष रवि नेगी वहाँ पे पहुंचे और उन्होंने हंगामा शुरू कर दिया। उसी बीच में वहाँ पे जब डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया पहुंचे और बीजेपी के और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए और एक दूसरे पे हाथापाई करना स्टार्ट कर दी थी। ठीक है यूनिस, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो बीजेपी और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए थे और उस दौरान की ये तस्वीरें हैं। आम आदमी पार्टी के कार्यक्रम में पहुंचे थे बीजेपी के कार्यकर्ता और वहां पर सीएए के समर्थन में नारे लगाने लगे। इसके बाद सीएए के समर्थन में नारे लगाने की वजह से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता नाराज होने लगे और इसी को लेकर आपस में भिड़ंत हुई। तो इसी बीच बीजेपी कार्यकर्ताओं के पहुंचने पर माहौल बिगड़ गया था। मनीष सिसोदिया का यह चुनाव प्रचार का कार्यक्रम था।